गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। इसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको देखें तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक ही मटेरियल से बनते हैं, तो उन्हीं को हमको पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि सेम होते डिफरेंट हैं बट उनका मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, इट कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं तो प्लास्टिक से आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे टॉयज, यूटेंसिल्स, बैग्स, मग्स, टम्बलर्स, बकेट्स एंड टूथब्रशेस। जितनी भी चीज़ें आप घर में ये सब देखते हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली किससे मिलकर बनी होती हैं? प्लास्टिक से मिलकर बनी होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती हैं। होती सब डिफरेंट, इनकी यूजेस भी हम क्या करते हैं कि यूजेस भी एक्चुअली डिफरेंट ही होते हैं, बट अगर हम देखें तो इनका जो प्रोडक्शन होता है, ऐसा कहें इनका जो बेसिक मटेरियल होता है वो प्लास्टिक होता है, जैसे आपको इसमें डायग्राम में शो हो रहा है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। तो हम इसमें देखते हैं, हमको कुछ एक लिस्ट दे रखी है, हिंट दे रखी है, और ये आपको बुक में ही फील करना है, इसको आपको फील करके देखना है। तो वुड से कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम बना सकते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, डोर है एंड विंडो। वैसे ही ग्लास का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जैसे मैं हिंट दे सकती हूँ आपको इसमें से, जैसे ग्लास का यूज़ करते हैं हम विंडोज़ बनाने में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स में भी यूज़ होता है ना। वैसे ही अगर हम देखें तो आयरन का यूज़ किस किस चीज़ों में होता है, यूटेंसिल्स में होता है, नेल कटर बनाने में होता है, बहुत सारे पाइप्स भी जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। कॉपर से क्या बनता है, कॉपर से वायर्स बनते हैं, इससे भी यूटेंसिल्स भी बनते हैं। और लेदर से क्या बनते हैं, जैसे बैग्स बनते हैं लेदर से, और जैकेट्स बनती हैं लेदर की, पेपर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें आपको नीचे जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं उनका यूज़ करके आप इस चार्ट को फील कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। तो कॉम्बिनेशन हमको देखना है मटेरियल का, कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बिस्किट इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर मटेरियल, जैसे वाइट फ्लावर, मैदा जिसको बोलते हैं, इसमें शुगर भी होता है सम पार्ट, मिल्क एंड वनस्पति घी। तो इतनी सारी चीज़ों से के कॉम्बिनेशन से कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एक तरह से मिक्स मटेरियल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, जिसमें मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का। इसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट पहले भी बनाने को दी थी, कि उसमें मैंने पूछा था कि जो लिस्ट मैंने दी है उसमें ये मैंने दिया था आपको कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, आपको ये बताना है कि वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी अगर आप खाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनका यूज़ होता है। जैसे अगर वेजिटेबल करी आप लेते हो तो उसमें वेजिटेबल्स तो होंगी सही, और सॉल्ट होगा, स्पाइसेस होंगे और घी होगा। वैसे ही अगर आप टी बनाते हो, टी बनाने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, जैसे शुगर चाहिए आपको, मिल्क चाहिए, सम वाटर चाहिए एंड टी लीव्स, या हम टी ही बोलते हैं उसको, और जिसको चाय पत्ती आप बोलते हैं। और फिर चेयर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, टेरिकोट के लिए क्या क्या चाहिए, और कॉन्क्रीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये आपको देखना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किन किन मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। इसमें हिंट दे रखी है आपको, जैसे वुड, टेरिलीन, वेजिटेबल्स, जूट, कॉटन, सॉल्ट, आयरन नेल्स, सीमेंट, सैंड, स्पाइसेस, घी, ग्रेवल, टी लीव्स, वाटर एंड शुगर। फिर सो वी कंक्लूड दैट, हम क्या क्या चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इन चीज़ों से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। इन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम घर में ही ले लेते हैं, अगर हम चपाती बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, तो रोटी में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे व्हीट फ्लार का यूज़ करते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, फिर वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। और यही मटेरियल मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम मटेरियल से बने होते हैं। जैसे हम कभी घर में भी देखते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, तो ये सेम मटेरियल से बने हैं, वुड से बने हैं। और जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी के अलावा आपके घर में अगर रिसीवर है, फ़ोन है, और उसके अलावा जैसे और कोई, जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव नहीं ले सकते क्योंकि वो मेटेलिक होता है। तो ये जो चीज़ें होती है प्लास्टिक से बनी, जैसे टॉयज़ का आप यूज़ करते हैं घर में, तो टॉयज़ भी बहुत सारे तरह के होते हैं, पर बने किससे होते हैं, प्लास्टिक से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। देन है, एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। कॉम्बिनेशन मतलब कि अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बनना, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेजिटेबल करी। जैसे वेजिटेबल्स जो होती हैं, या घर में हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें तो अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वेजिटेबल ही होता है कि आप कौन सी वेजिटेबल बनाते हैं। जैसे पोटैटो वेजिटेबल अगर आप बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, सॉल्ट भी चाहिए, पोटैटोस तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके अलावा ऑयल चाहिए होता है हमको, चिल्ली पाउडर चाहिए होता है, टर्मरिक पाउडर चाहिए होता है, क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन्स चाहिए होते हैं, और कोरिएंडर पाउडर चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके आप क्या करते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं। तो वेजिटेबल जो बनाते हैं, तो उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। तो टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट, वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब क्या है, एक्चुअली जो स्टार्टिंग में आपको चैप्टर में समझाया था, वो इसलिए समझाया था कि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बेसिकली मटेरियल्स चाहिए होता है। कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे बना होता है, मटेरियल से बना होता है। बट मटेरियल जो होते हैं उनके बारे में भी या उनकी स्टडीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट है, तो सॉल्ट हमारे लिए क्यों रिक्वायर्ड है, हमें पता है कि सॉल्ट अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारे ब्लड प्रेशर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमको आयोडीन नहीं मिलता है। तो मतलब उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर का हमको पता है कि अगर हम वाटर नहीं लेंगे तो वाटर जो है एक लाइफ सेविंग चीज़ है, मतलब कि अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, वाटर लॉस हो जाएगा। और वैसे ही अगर जैसे टर्मरिक अगर आप ले रहे हैं वेजिटेबल में, तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो मेडिसिनल वैल्यू उसकी है। जितने भी स्पाइसेस आप लेते हैं वो सब मेडिसिनल वैल्यू के हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उनकी प्रॉपर्टी पता है, जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते। तो जितनी भी मटेरियल होते हैं, जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स की वैल्यूज़ हमको पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होना चाहिए। तो इसमें, इस चैप्टर में आप एक्चुअली यही पढ़ोगे कि जितने भी मटेरियल्स आप यूज़ करते हो अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, उनके क्या यूजेज हैं और उनकी एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं। वैसे ही फ्रूट्स का है, जैसे फ्रूट्स आप लोग खाते हैं, तो फ्रूट्स खाने का कोई बेसिक रीज़न होता है। वो रीज़न क्या होता है कि हमको विटामिंस मिलते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए हम इन चीज़ें खाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इसीलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक एंड हो गया है यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। थैंक यू।